हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद आज हम बात करने वाले हैं पावर बीआई के बारे में। जी हाँ, पावर बीआई को लेकर के काफी सारे सवाल जो है आपके भी मन में होंगे। आखिरकार ये पावर बीआई सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है और क्या यूज है इसको इसका और एक्सेल के जैसे इसको कैसे यूज करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाया जाए और रैंडम वैल्यूज कैसे जनरेट कराई जाए इसमें, यानी पावर बीआई में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ से चल करके और पावर बीआई को ओपन करता हूँ। तो पावर बीआई को ओपन किया है, देख सकते हैं ये पावर बीआई ओपन हो रहा है। तो पावर बीआई जब ओपन होगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का नजर आएगा। आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है पावर बीआई। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाए इसके लिए ये बनाया गया है। अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे और लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये ओपन हुआ है तो यहां पर डेटा एंटर कहां से किया जाएगा, ठीक है। चूंकि आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बताता हूं कि डेटा आपको एंटर कैसे करना है, कैसे कैसे चीजें करनी है। अगर आप एक्सेल वर्कबुक से इंपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। गेट डेटा, अब ये गेट डेटा दिया हुआ है तो कनेक्ट करना है, ठीक है। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से फेच कराना है डेटा को तो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर से कर सकते हैं, कहीं से भी अगर आपको डेटा इंपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हमें डेटा इंपोर्ट नहीं करना है, इसी में टेबल बनानी है। तो आपको होम टैब के अंदर यहां पर नजर आएगा इंटर डाटा, तो बस इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉलम वन, तो अगर आपको डेटा एंटर करना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से। अब ये पावर बीआई है, एक्सेल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही नेम ऑफ स्टूडेंट लिख के बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट नजर आएगा और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नाम देना चाहे यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे राम दे दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे श्याम दे देते हैं। टैब बटन प्रेस करते रहिएगा और नाम देते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे मनीषा दे देते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सोनू दे देते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मोनू दे देते हैं। तो इस तरीके से आप नेम एंटर करवा सकते हैं। टाइटल आपने देखा किस तरीके से ये आया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई और भी चीज इसमें करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक और कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो ये प्लस के निशान पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो अगला कॉलम आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं CLASS, तो ये हो गया क्लास। और यहाँ पे क्लास के नेम आएंगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करके क्लास 12, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी जो क्लास आपको देनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 दे देते हैं और यहाँ पे वापिस से आते हैं तो यहाँ पे 12 दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे 9th कर देते हैं तो ये 9th हो गया। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 11th कर देते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, चूंकि ये टेबल बन रही है और इस टेबल का नाम आपको क्या देना है वो यहाँ पर आपको दे देना है। जैसे मान लीजिए मैं इस टेबल का नाम स्टूडेंट देना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने दे दिया, ठीक है। और ये टेबल है तो मैं सिंबल के लिए यहाँ टी भी लिख देता हूँ। और फिर आपको क्या करना है, इसको लोड करना है। यहाँ पे देखिए ये लोड ऑप्शन आएगा तो इसको लोड करना है आपको। तो जैसे ही लोड पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से लोड होगा और जैसे ही ये लोड हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो आ जाएगा। ये देखिए बिल्ड विजुअल विथ योर डेटा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये जो रिफ्रेश ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और लोड हो जाएगा डेटा आपका, ठीक है। आपका टेबल ओपन हो गया है और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी कि किस तरीके से ओपन हुआ है, ठीक है। तो इस पे डबल क्लिक करके आप और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट और तमाम चीजें आपकी आई हुई है तो ये आपकी डाटा व्यू है। डाटा व्यू पे जाएंगे तो आप इसको देख भी पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और फिर नीचे आएगा आपका कॉलम, ठीक है, न्यू कॉलम। तो न्यू कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं या आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ न्यू कॉलम दिया गया है इस पे भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर आपको रैंडम वैल्यूज जनरेट करानी है। तो रैंडम वैल्यूज आखिरकार जनरेट कैसे होंगी, यहाँ पर तो कोई फंक्शन फॉर्मूला आपको तो कुछ पता है नहीं, तो आखिरकार कैसे रैंडम वैल्यूज जनरेट की जाए, ठीक है। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और इसी को हमें समझना है कि रैंडम वैल्यूज कैसे जनरेट होंगी।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, रैंडम वैल्यूज आपको जनरेट करके मैं दिखाता हूं कि कैसे कैसे रैंडम वैल्यूज यहां पे जनरेट होंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप रैंड बिटवीन के थ्रू वहां करते थे, तो यहां पर कैसे करेंगे, क्या आखिरकार करेंगे कि यहां पर रैंडम वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी। तो आप यहां लिखिए बिटवीन, क्या लिखना है आपको, बिटवीन, ये लिख दिया बिटवीन। और जैसे ही बिटवीन लिखेंगे, तो बिटवीन लिखने के बाद यहां पे लिख दीजिएगा टू नंबर्स, कितने नंबर, दो नंबर के बीच में चाहिए, तो टू नंबर्स कर दीजिएगा। तो ये टू नंबर्स कर दिया, ठीक है। और यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाइएगा और यहां दे दीजिएगा रैंड, आर ए एन डी, रैंड कर दिया हमने। और रैंड करने के बाद यहां पे प्लस कर दीजिए, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको करना है प्लस, ठीक है। प्लस कितना करेंगे, तो जितना भी आप देना चाहें यहां पे ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां कर देते हैं 50 माइनस 4 और यहां पे प्लस 2, तो ये हमने ऐसे कर दिया है। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे इसका रिजल्ट। तो जैसे ही एंटर किया है तो ये देखिए यहां पर बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज आ गई है। देखिए यहां पर अलग अलग डेसिमल वैल्यूज आई हुई है, देखिए यहां पे 48.87 है, 48.56 है, 48.51 है, लेकिन ये डेसिमल प्लेसेस हमको हटाना है। तो यहां पर देखिएगा होम टैब, ये टेबल टूल्स दिख रहा है और ये कॉलम टूल्स है, तो कॉलम टूल्स के अंदर यहां पे जब देखेंगे तो ये होल नंबर आएगा, तो बस यहां से होल नंबर बना दीजिए, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। और रिफ्रेश होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं 48 49 49 48 ऐसे कुछ करके ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे, यानी रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, यानी होम टैब पे जाकर के और यहां से रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे यहां पर ये भी रिफ्रेश होने लगेगा, ठीक है। अगर फिर यहां से रिफ्रेश करते हैं तो फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो देखिए यहां 49 था, 48 हो गया, सब 48 बन गया, देख रहे हैं। अगर इसमें चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर 50 है, माइनस 4 किया था हमने, तो अगर मैं यहां पे इनटू 2 कर दूं तो क्या होगा, और प्लस 2 है ही है, और एंटर कर देता हूं, तो यहां पे देखेंगे ये डेटा कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो देखिए दो नंबर्स के बीच का ही है, ठीक है, दो नंबर्स के बीच का ही है ये, अब जो है कुछ इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि यहां पर रैंडम नंबर्स अगर जनरेट कराने हैं तो कैसे कराने हैं, ठीक है। अगर इसी को आप डेसिमल में करना चाहते हैं तो डेसिमल में भी करा सकते हैं, अब डेसिमल में कैसे होगा, यही चीज डेसिमल में करना चाहते हैं तो इन सबको आप हटा दीजिएगा, यहां से ये हटा देता हूं मैं, और यहां क्या लिख देता हूं, आर ए एन डी, यही फंक्शन लगाते थे ना डेसिमल नंबर्स को जनरेट कराने के लिए, और एंटर कर देते हैं, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। तो यहां पे देख सकते हैं 1 जनरेट हो गया, यहां पे 1 आ रहा है, लेकिन क्या ये डेसिमल में आएगा, तो यहां होम टैब पे हैं हम, और होम टैब के बाद हमें कहां जाना है, यहां पे देखिए ये कॉलम टूल्स है, तो यहां पर होल नंबर है, इसको हम हटा देते हैं, यहां पे डेसिमल बना देते हैं, और यहां से इसको रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए सारे डेसिमल नंबर आएंगे। तो देखिए यहां पे सब डेसिमल नंबर आने शुरू भी हो गए, देख सकते हैं। तो ये वो तरीका है, ये वो ट्रिक है जिसके थ्रू आप रैंडम नंबर्स पावर बीआई के अंदर जनरेट करा सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। अगर आप मॉडल व्यू पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका टेबल, ठीक है, ये देख सकते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखा होगा, तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं इस तरीके से आप, ठीक है। और जो हमने कॉलम नया जनरेट किया था उसका नाम हमने दिया है बिटवीन थ्री नंबर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिटवीन थ्री नंबर्स के नाम से आ रहा है। डबल क्लिक करके इस कॉलम का नेम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रैंडम नंबर, क्या दे देते हैं, रैंडम नंबर, तो आर ए एन डी ओ एम रैंडम नंबर्स कर देते हैं, तो ये हो गया इस तरीके से, तो ये रैंडम नंबर्स यहाँ आ जाएगा, देखिए अब ऊपर रैंडम नंबर्स आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये फंक्शंस फॉर्मूले यूज करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। पावर बीआई पर आधारित और भी चीजें, और भी ट्यूटोरियल्स, और भी वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये सारे फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।